कॉज करने वाले आमिर का क्या है अगला मिशन? क्या एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स है परफेक्शनिस्ट खान की नेक्स्ट डेस्टिनेशन? पानी फाउंडेशन के जरिए महाराष्ट्र के गांवों में किसानों की मदद करने वाले आमिर खान को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिलता है काफी सपोर्ट? कई पॉलिटिशियंस आमिर के इस नोबल कॉज में उनका साथ देते हैं, ऐसे में क्या आमिर खुद पॉलिटिक्स करेंगे ज्वाइन? इस पर आमिर ने क्लियर कर दिया है कि वो पॉलिटिक्स से बाहर रहकर ही काम करना पसंद करेंगे। हर किसी को पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। हम समाज में अगर हम कुछ देना चाहते हैं उसके लिए हमें पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। वो भी ऑफकोर्स एक तरीका है, लेकिन डॉक्टर पोल जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो कई सालों से भी काम कर रहे हैं। शांति बाबू कितने सालों से काम कर रहे हैं, आप इनसे भी पूछिए ये लोग पॉलिटिक्स में आएंगे क्या? तो हमें बड़ी खुशी है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ से हम जो कुछ योगदान दे पा रहे हैं उसमें हमें बड़ी खुशी है, और हमें मेरे मन में तो नहीं है पॉलिटिक्स में जाने। आमिर ने ये बयान पुणे में हुए अपनी फाउंडेशन के इवेंट पर दिया, जहाँ पानी फाउंडेशन की तरफ से वाटर कप अवार्ड दिया गया। बॉलीवुड रिपोर्टर आपको बता दे कि ये अवार्ड चेकवाड़ी गांव को दिया गया, जहां सबसे ज्यादा वाटरशेड मैनेजमेंट पर काम किया गया है। तो वहीं इवेंट पर आए महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ अमृता फडणवीस, आमिर खान और वाइफ किरण राव के अलावा राज ठाकरे और कई और पॉलिटिशियंस, जहां सभी ने पहले तो पानी फाउंडेशन के लिए स्पीच दी, जिसके बाद आमिर ने मीडिया से किया इंटरेक्ट। आमिर ने सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मैं ये बहुत खुशी से कहता हूँ, बड़ी खुशी होती है मुझे ये कहने की कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जितने गांव हैं इस वाटर कप में जो हिस्सा ले रहे हैं उनकी आगे आके मदद की है। बहुत सारे कलेक्टर्स और BDOs, प्रांत तहसीलदार, वो खुद जैसे अपना काम है वैसे समझ के काम करते हैं। आमिर के पानी फाउंडेशन से कई यूथ भी जुड़े हैं। बॉलीवुड से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी फाउंडेशन के लिए श्रमदान भी दिया है, जिसके बाद आमिर चाहते हैं कि इसी तरह और भी यूथ पानी फाउंडेशन का साथ दे। हमारे पास कई प्लान्स हैं टू इन्वॉल्व द यूथ, और ऑलरेडी यूथ बहुत बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है गाँव में, बट सर्टनली हम चाहेंगे कि सिटीज के और ज्यादा यूथ इसमें इन्वॉल्व हों। आमिर फिलहाल गांवों में पानी की समस्या को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन पानी के बाद आमिर के कुछ और प्लान्स भी हैं। एक तो होता है पानी का, जो पान लूट का काम से हम पानीदार होते हैं, फिर उस पानी का इस्तेमाल कैसे हो, क्रॉप प्लानिंग। तो हमारे मन में ये सारी चीज़ें हैं कि हम आगे जब हम चलें इसमें हम और कुछ चीज़ों को इंक्लूड करें, जैसे सॉइल हेल्थ है, क्रॉप प्लानिंग है, ग्रास लैंड्स हैं, ट्री प्लांटेशन है। हालांकि ट्री प्लांटेशन ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें और ज्यादा डीपर जाके हम इसमें काम कर रहे हैं। पानी फाउंडेशन का काम सबसे पहले महाराष्ट्र के गांव में शुरू किया गया, जिसकी वजह भी आमिर ने यहां बताई। सत्या और मैंने जब बातचीत की और हमने ये सोचा कि हम पानी को लेकर शुरू करेंगे, तो महाराष्ट्र हमने इसलिए चुना क्योंकि हम दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, दोनों महाराष्ट्रियंस हैं, तो जाहिर है हम हमारे राज्य से शुरू करेंगे, इसलिए महाराष्ट्र हमने चुना, और महाराष्ट्र में जरूरत भी थी ये भी। तो वहीं अपने टीवी शो सत्यमेव जयते पर भी आमिर ने बात की और बताया कि शो के सक्सेसफुल होने के बाद भी क्यों अब तक आमिर सत्यमेव जयते के साथ टीवी पर वापसी नहीं कर पाए हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, सत्यमेव जयते की जो पूरी टीम है, और अब वो पूरी की पूरी टीम पानी फाउंडेशन में, अब हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते, दोनों काम बहुत ही विशाल है। तो अजीत दादा को मैं बोलूंगा जब तक लिखा मिलूंगा कि इस वक्त वो पूरी टीम पानी में लगी है, इसलिए हमारा शो टीवी पर नहीं आ रहा है। बात चाहे बड़े पर्दे की हो या छोटे की या फिर सोशल कॉज की, आमिर हर मामले में मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऐसे ही नहीं कहे जाते। वो जो भी करते हैं लोगों के दिल में अपने लिए खास जगह बना ही लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।